कुछ ना सारे व्यूअर ऐसे हैं इंडिया तो जेडे आखे ने किस तरह की बोलिया करो बिच भा बाली भा बालते वाला है उन्हें ए ना बुड़क 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 करना करे यही सोच रहे होंगे कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं दोनों मियां बीवी के इन्होंने सिलेंडर लिया है ठीक है उसमें गैस भरवाया है चूल्हा लिया है उसका पाइप लिया है पूरा मुकम्मल सामान इनके पास पड़ा हुआ है लेकिन ये इतने बेवकूफ़ हैं सिलेंडर पे रोटी नहीं पका रहे खाना नहीं पका रहे और कड़कती धूप में ना कड़पती धूप में ये बाहर पका रहे हैं खाना कितने बेवकूफ़ हैं यही सोच रहे होंगे कि आप देखें ये सारा उठाने का तरीका है इस तरीके से सारा उठाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो हमारी दुआ है कि हमारे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ पे भी रहें हमेशा खुश रहें शाद रहें आबाद रहें। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जी प्यारे बहन भाइयों आप देख सकते हैं कि अभी टाइम है दोपहर का और तकरीबन ना एक बज रहा है या तकरीबन डेढ़ बज रहा होगा। तो अभी हमारा टाइम हो गया है दोपहर के खाने का। तो अक्सर बहन भाई कह रहे थे कि आप ना हमें अपने दोपहर का जो खाना वगैरह है उसकी रूटीन हमें शेयर करें। तो आज हम आपसे दोपहर के खाने वगैरह की रूटीन शेयर करते हैं कि दोपहर को हम क्या क्या काम करते हैं। तो जी बेगम साहिबा सलाम कर दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत होंगे अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मैं दुआ है हमारे देखने जहाँ भी रहें खुश रहें बाद रहें। और आज हम बना रहे हैं मैं बताऊँगा आज बना रहे हैं अरबियाँ। एक भाई ने हमें कहा था कि यार भाभी से कह दें कि हमें आप अरबियों की रेसिपी शेयर कर दें। तो इसीलिए ना आज हम आप तमाम बहन भाइयों के साथ अरबियों की रेसिपी शेयर करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और अरबियाँ काफ़ी तरीके से बनती है। एक लोग जो कुछ होते हैं कि इसको भून के बनाते हैं घी में पहले भून लेते हैं और फिर इसको जो है घी में तल लेते हैं और उसके बाद इसको जो है मसाले में भून के बना लेते हैं। लेकिन मैं जो है उस मसाला वगैरह भून के उसमें डाल देती हूँ। मैं जो है शॉर्टकट जो है वो यूज़ करती हूँ। ये शॉर्टकट यूज़ करती है क्योंकि ये आलसी है। जी नहीं आपसे कम हूँ कब रात का सोया हुआ अब उठाइए और मैंने तो काम भी किया है। फिर तो मेरा क्या है जी मैं तो सोया रहूँ या जागता रहूँ मैंने क्या करना है। मैं आज तो फ्राइडे है वैसे भी इस फ्राइडे को मैं तो वैसे भी छुट्टी करता हूँ शॉप पे जाता ही नहीं हूँ फ्राइडे वाले दिन। तो मैंने क्या करना है फिर उठना तो फर्ज है ना उठना तो चाहिए सुबह उठना तो चाहिए ना सुबह सुबह। पूरा हफ्ता मैं काम करता हूँ अगर मैं फ्राइडे रेस्ट कर लेता हूँ तो इसमें क्या है। बस करो अच्छा ना बनो आलसी है ये भी मुझसे ज्यादा है। तो जी प्यारे बहन भाइयों अमीना अभी आई थी मेरी उसने ना इसको एक आइडिया दिया है कि आप ना इसको अरबियों को ना पहले आप थोड़ा सा आटा लगा के ना इसको इसको अच्छे तरीके से ना धो लो धो के फिर इसको धूप में रख दो इसकी जो लेस होती है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये वही तरीका यूज़ कर रही है देखते हैं क्या होता है। तो जी प्यारे बहन भाइयों यहाँ पर ना अरबियाँ सूखने के लिए डाल दी गई हैं ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए फिर हम पकाएँ इसको। और प्यारे बहन भाइयों यहाँ पर ना काम ज़ोरों से जारी है जारी और सारी है। इसका दुपट्टा उड़ रहा है हवा से बेचारी दुपट्टा संभाल रही है और इधर प्याज भी काट रही है। गर्मी इतनी है भाई बहुत ज्यादा हमारा बिल्कुल सिस्टम नहीं है कोई और कमरे का या छाव का भाई देख सकते हैं। हाँ मैं अभी दिखाता हूँ किचन आपने बोलना नहीं है बस। ये पंखा चल रहा है और इधर ना ये काट रही है और ये हमारी सोलर प्लेट लगी हुई है यहाँ पे ये देखें ये सोलर प्लेट लगी हुई है और ये इसकी वायर आ रही है। हम उधर गए थे नहीं मैं वहाँ पे तो लाइट होती नहीं मैंने कहा ये तो फिर हमारा अच्छा सिस्टम है। हाँ, लाइट एक घंटा आती है दो घंटे चली जाती है फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे ऑन है हमारा एसी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक इंसान को जिस हाल में भी रखे तो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम जिस हाल में भी हैं अल्लाह पाक ने हमें जिस हाल में रखा है अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। कि ऐसे भी तो लोग हैं जो एक वक्त की खाते हैं और उनको दो वक्त की नहीं मिलती वो भी तो जी रहे हैं ना वो भी उनको भी अल्लाह पाक ने उसी हाल में रखा है। तो जिस हाल में अल्लाह पाक रखे उस हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और जी प्यारे बहन भाइयों ये है हमारा किचन का सिस्टम आप देख सकते हैं कि कड़कती धूप है ऊपर ये देखें और इधर समीना जो है खाना पकाएगी और मैं भी इसकी हेल्प करवाऊँगा ये नहीं कि मैं बैठ के खाऊँगा और वो धूप में काम करेगी। तो जी प्यारे बहन भाइयों इधर प्याज जो है वो डाल दिए गए हैं और इसने मुझे बताया नहीं कि मैं स्टार्ट हो गई हूँ वरना मैं प्याज डालने से पहले भी दिखाता आपको मैं स्टार्ट हो गई हूँ।
सॉरी मेरा काम शुरू हो गया है, सॉरी। देख सकते हैं आप कितनी धूम में मुझे इसने बिठाया हुआ है, कितना जुल्मी शोहर है ये। जुल्म के इंतहा। अगर मैंने इसको धूप में बिठाया हुआ है तो मैं भी तो खड़ा हूँ। आप तो अपनी वीडियो के लिए खड़े हो ना, ऐसे खड़े होने वाला बिल्कुल भी नहीं। आप बेशक ना बनाओ वीडियो, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूँ यहाँ पे। जी नहीं, क्या जी नहीं। तो आज वैसे मैं धूप में बना रही हूँ क्योंकि मेरा एक तो भतीजा आया हुआ है, और दूसरी बात ये है कि सुबह सालन कल हम उधर से आए रीमिया से, तो हमने जो है होटल से खाना लिया था, फिर सालन जो है वो बच्चा नहीं था, इसने नाश्ता नहीं किया, फिर इस वजह से मुझे दोपहर को पकाना पड़ रहा है, वरना मैंने बनाना नहीं था सालन। भतीजा आया हुआ है बना रही है, अगर मैं कहता फिर ना बनाती, कत्तन ना बनाती, मुझे पता है नहीं बनाती। वैसे कौन खिलाता है, कहाँ से खाती हो? वैसे मैं कोई ना कोई जुगाड़ मुगाड़ करके खा ही लेता हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं खिलाती, मुझे पता है इसका, ठीक है ना। तारीफ है या? तो जी प्यारे बहन भाई, अभी टमाटर भी काटे जा रहे हैं और फिर उसमें डाले जाएंगे, ऐसे ना। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं दोनों मियां बीवी, कि इन्होंने सिलेंडर लिया है, ठीक है, उसमें गैस भरवाया है, चूल्हा लिया है, उसका पाइप लिया है, पूरा मुकम्मल सामान इनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये इतने बेवकूफ़ हैं, सिलेंडर पर रोटी नहीं पका रहे, खाना नहीं पका रहे, और कड़कती धूप में ना, कड़पती धूप में ये बाहर पका रहे हैं खाना, कितने बेवकूफ़ हैं, यही सोच रहे होंगे कि आप। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको यहाँ पे ना एक वादे बात कर लूँ कि मैं बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, ये जो है ना सामने वाली, ये बेवकूफ़ है। क्या मतलब? हाँ तो मैं जब मैं फिर चिढ़ूंगी ना, तो फिर इसने ना भाग देना कैमरा छोड़ के। मैं पिट पिट के थक गया हूँ, मैं रड़ रड़ के थक गया हूँ, मैंने कहा है कि आप सिलेंडर पे पका लो, सिलेंडर पे खाना बना लो, तुम क्यों नहीं मेरी बात मानती? मुझे ऐसे मजा आता है। मिर्ची वगैरह इसने डाल दी हैं, डाली हैं नहीं डाली? हाँ डाल दी हैं, मिर्ची वगैरह भी डाल दी हैं, और अभी ना ये जो है डाल रही है अरबियाँ, क्योंकि मैंने काफ़ी देर काट के रखी हुई थी ना, अम्मी आ गई थी, तो इस वजह से वो थोड़ी सी ना नीले कलर में हो गई हैं। पहले इसमें डाली हैं घी डाला है, उसके बाद प्याज डाले हैं, फिर टमाटर डाले हैं, मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, उसको भून के अब फिर लास्ट में जो है अरबियाँ डाली जा रही हैं। हमारा जो मोबाइल गर्म हो गया था, इस वजह से हमने फिर वो नहीं बनाया। हाँ वो गर्म हो जाता है ना, फिर मैं अंदर कूलर पड़ा हुआ ठंडे पानी का, फिर मैं ना ठंडा पानी हाथ में लेके ना, फिर मोबाइल को ना चारों तरफ ना ऐसे ऐसे लगाता हूँ ठंडा ठंडा पानी, ताकि ये ना थोड़ा सा कूल हो जाए, फिर हम मैं व्लॉग बनाना शुरू कर देता हूँ। सबापी और अहमद भाई तो फ्रिज में रख देते हैं। हाँ वो उनका मोबाइल भी गर्म हो जाता है, वो उठा के फ्रिज में रख देते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। हाँ उनका सिस्टम अच्छा है, हम तो हाथ से करते हैं इसको ठंडा। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी ना ये देखें ढक्कन वगैरह ऐसे दे दी है, कितनी देर के बाद भी उतारोगी यहाँ से? अभी तो मैंने इसे भूनना है, इसमें पानी डालना है। अच्छा, क्योंकि हाँ, आप देख रहे होंगे हमारा गंद बहुत पड़ा हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि कल हमने इतना सफ़र किया है और सुबह मैंने काम बिल्कुल नहीं किया थकावट की वजह से, और मेरा गला अभी तक भी दुख रहा है, पता नहीं क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही, मेडिसिन में रिपोर्टें भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी पता नहीं क्या मसला है। कल हम दवाई लेके आ गए हैं और इसने तकरीबन 2 खुराकें खाई हैं, अभी कहते हैं ठीक भी हो जाऊं, दवाई कुछ खाओ 2-3 दिन फिर जाके ठीक होगा, खुद भी टेंशन ना लो और मुझे भी ना लेने दो टेंशन, ठीक है ना, मुझे भी परेशान ना करो। प्यारे बहन भाइयों, पानी भी इसने डाल दिया है लेकिन मुझे नहीं बताया, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक तो मैं गर्मी में बैठी धूप में और ये कह रहा मुझे बार बार बुलाओ जो चीज़ डाल रही हो, और नहीं तो क्या, ऐसे ही फिर व्लॉग बनता है, फिर वो भाग जाते हो, आपने तो मेरा साथ खड़ा होना था, वो मोबाइल गर्म हो जाता है, फिर मैं ठंडा करने जाता हूँ इसको। मैं आप लोग आप बहन भाई देखना कि मैं अरबियाँ बनाऊंगी और इसमें कहते हैं लेस होती है ऐसे बनाने से, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें लेस बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल अच्छी अच्छी बनती हैं, जैसे आलू का सालन होता है ना वैसे। अगर लेस ना हुई ना, फिर मैं आपको गोल्ड मेडल दूंगा, लेस नहीं होगी। तो जी प्यारे बहन भाई, अभी मैं ना कमरे के अंदर मौजूद हूँ और मैं अभी ना शीशे पे मैंने कैमरा लगाया हुआ है, और मैं ना अभी आपको बाहर का भी माहौल दिखाऊंगा कि वो कितना प्यारा है, ये आप देखें, वाओ वंडरफुल। पहले मेरी बाइक ने दीदार करवा दिए हैं, ये ख़राब हो गई है, पंक्चर हो गई है, और इसका सारा कुछ ख़राब हो गया है, अब इसको मैं बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बनवा लूँगा 2-3 मंथ तक। तो ये देखें बहुत ही प्यारा, और दोपहर का माहौल है हमारे घर का, ये देखें
तो जी प्यारे बहन भाइयों, बाइक ना मेरी यहाँ पे खड़ी हुई थी और ना यहाँ पे धूप थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसको खींच के ना वहाँ पे खड़ी कर दी और ऊपर मैंने कपड़ा भी डाल दिया इसको, क्योंकि ये ना फिर वहाँ पे खड़ी थी ना, फिर मुझे बद्दुआ कर रही थी कि तुमने मुझे धूप पे खड़ा हुआ है। फिर मैंने सोचा मैं इसको छांव पे खड़ी कर देता हूँ। इसके जो टायर टूब तो वैसे भी इसके ख़त्म है, लेकिन फिर भी बद्दुआ तो कर रही थी ना। तो प्यारे बहन भरा वो कुछ ना साढ़े व्यूअर ऐसे इंडिया तू जड़िया खेतने के सराय की बोलिया करो बिच थोड़ा बहुत ही वास्ते ना मैं सराय की बोलना पाया। तो भाव जी ना मिसम गई है, तो समीना आई है दोबारा इन्हें लकड़ी पाती है, लकड़ी पाते वाला इन्हें ना भाव बाली भाव बालते वाला है उन्हें ये ना बुड़क 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 करना करे पता नहीं इंडिया में कौन है ना साढ़े बेड़ी बराजे। इंडिया के भी सराय की संबंध नहीं यार, लोग बुलेंदे भी हैं सराय की। मैं ना सुनिया हम एक जगह तो मैं ना वो लोग हैं ना कि मैं उठा करना है पता नहीं क्या है कमेंट है ना पता नहीं क्या है मतलब उठा के लोग ना आप ऐसे मतलब तबसरा करने पे हैं कि ऐसा कुछ जड़ा ना सराय की अमनी है इंडिया दे हैं, क्योंकि इंडिया दे भी पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जड़े इंडिया दे विच भी रहने तो सराय की हैं, सराय की बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जी प्यारे बहन भाइयों, रोटी जो है सुबह हमने पका ली थी और चौके सालन नहीं था क्योंकि हमने ना रात को होटल से लिया था, वो बचा नहीं था सालन, इस वजह से ना मैंने तो रोटी खाई नहीं थी और अभी ना मैं रोटी खाने लगा हूँ और सालन जो हमारा पक चुका है और रोटी हमारी ये पड़ी हुई है। तो जी बेगम साहिबा मेहरबानी करें, जो सालन पक चुका है वो लेके आए मेरे पास, मैं खा के खुश हो जाऊँ, क्योंकि मैंने ना कल शाम का खाना खाया हुआ है, उसके बाद मैं अब दोपहर को खाऊँगा, सुबह भी मैंने नाश्ता नहीं किया था, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पे गुजारा है मेरा और मेरी अभी कांपें टांग रही हैं, मैं अभी गिरने वाला हूँ। जल्दी करो लेके आओ यार, बंद करो। नहीं कैसे उठा ये देखें, ये सारा उठाने का तरीका है, इस तरीके से सारा उठाया जाता है। तो ये भी ना एक टेक्निक है ना कि जो हमारी बहनें शायद जिनके पास कपड़ा ना हो वो ना मैंने जो है ना वो जिनके पास कपड़ा ना हो वो किसे उठाएं, दुपट्टे से उठा ले, दुपट्टे से ऐसे थोड़ा दुपट्टा कपड़ा दुपट्टा एक ही चीज होता है। मेरी बास ने वो मेरे पास ना कपड़ा था लेकिन वो मैं ना कोई चीज थी अपनी सिस्टर के लिए लेके गई थी तो वो मैं उसमें बांध के वो लेके गई थी, फिर मैं उधर ही रख गई तो इस वजह से मेरे पास नहीं था, तो अभी बनाऊंगी। चलो शुक्र है बनाओगी तो जी ये सालन जो है हमारा पक चुका है, सालन दिखा दो यार ढकना हटा के। तो जी प्यारे बहन भाइयों, मैं तो डरता हूँ क्योंकि ये गर्म होती है, थाली गर्म होती है, प्लेट गर्म होती है, ये देखिए प्लेट गर्म होता है। माशाल्लाह से हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है, ये देखें इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं है, और मुझे अब तमका दो जो कहा था गोल्ड मेडल मैंने कहा था, तो दो ना भी कहाँ से बनवा के लाऊं बताओ। तो जी प्यारे बहन भाई, ये है हमारा सालन और ये है हमारी रोटियां और वो है हमारा वाटर, जिसने खाना है इसलिए भर के रखा है कि बार बार मुझे उठना ना पड़े। बंदा एक बार बात कर रहा हो ना फिर टुकवाते नहीं है बात को। जिस बहन भाई ने खाना है वो आ सकता है। तो अभी हम यहाँ पे अपना व्लॉग जो है वो वाइंड अप करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।